सो आज हम डिस्कस करेंगे कि 3D Max, V-Ray और Lumion, Twinmotion जैसे हेवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कौन से लैपटॉप्स लेना ज़रूरी है। मैं ऐसे 7 ऐसे लैपटॉप्स मैंने पर्सनली हैंड पिक्ड किए हुए हैं जिसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे 3D Max, V-Ray, Lumion, Twinmotion, ये हेवी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, अच्छा रेंडरिंग करने के लिए, अच्छा आउटपुट लाने के लिए जो आपको लैपटॉप लेना ज़रूरी है वो आज हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो परचेसिंग है, ये जो बाइंग लैपटॉप्स हैं, ये जो वीडियो है, इसका प्रॉपर अगर आपको बेनिफिट लेना है तो ये लैपटॉप्स अगर आपको परचेस करने हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई टेल यू, क्योंकि आज की तारीख है 25th और आज मिडनाइट से, मतलब आज शाम से रात से सेल चालू हो जाएगा। सो उसमें भयंकर सेल होगा, भयंकर अच्छा डिस्काउंट होगा, जिसमें आप 10 से 15,000-20,000 आप पर लैपटॉप आराम से सेव कर सकते हो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की तो। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या होगी, आपको अमेज़ॉन प्राइम का जो मेंबरशिप है वो आपको लेना है। उसमें आप 3 months या 1 year आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। बट ये ज़रूर है कि आपका पैसा बहुत बचेगा और आपको प्रेफरेंस मिलेगा, इस सेल में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग बाद में आते हैं और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो मैं हूँ अभिषेक इनामदार और आप देख रहे हैं की फ्रेम्स एनिमेशन अकेडमी चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो लैपटॉप है इसका नाम है एसर नाइट्रो 5, ये है AMD राइजन। इसमें आपको मिलेगा 16GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क, 256 SSD, मतलब सी ड्राइव के लिए SSD होगा और डी ड्राइव के लिए HDD होगा। वो इम मटेरियल है क्योंकि हम एक्सटर्नल हम चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। जेन्युइन विंडोज 10 होगा प्रो वर्जन। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी का NVIDIA 3060 RTX ग्राफिक कार्ड और RTX एनेबल्ड होने के कारण क्या होगा, आप इसमें Lumion, Twinmotion, ऑफकोर्स V-Ray तो चलेगा ही, 3D Max तो चलेगा ही, मतलब ये दो सॉफ्टवेयर अगर चल गए जो Lumion और Twinmotion है तो आराम से तुम्हारा 3D Max और V-Ray आराम से चलेगा। इसकी कॉस्ट है 1,12,000। सो ये जो लैपटॉप है Acer Nitro 5, ये है Intel i5 बट 11th जनरेशन। कीप इन माइंड ये Intel i5 है और 11th जनरेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कमज़ोर लैपटॉप है। सो इसमें आपको मिलेगा 16GB का रैम, 512 SSD, मतलब सी ड्राइव के लिए होगा SSD, मतलब ताकि आपके प्रोग्राम्स अच्छी तरह से रेंडर हो, अच्छी तरह से लोड हो। इसमें ग्राफिक कार्ड है GTX 1650। सो इसमें ग्राफिक कार्ड है 1650, विच इज़ नॉट बैड, एब्सोल्युटली गुड। 6GB का ग्राफिक कार्ड है, 1650 बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है, मतलब 1650, 1660, 1660 Ti, ये सारे जो ग्राफिक कार्ड, ये जो सीरीज़ है 160 की जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी है लैपटॉप के लिए, जिसमें आप 3D Max, V-Ray, Lumion और Twinmotion आराम से चला सकते हो। राइट नाउ इसी कीमत है 73,000 रुपीज़, बट ये सेल में आपको मिलेगा कुछ लेट्स से 8 से 10,000 रुपये कम होगा। सो 60 तक आपको ये लैपटॉप मिलना चाहिए। सो नेक्स्ट लैपटॉप है Asus का ROG Strix कलेक्शन में से, तो ये है i7 10th generation। इसमें ग्राफिक कार्ड है GTX 1660 Ti, ठीक है, टूरिंग वाला ग्राफिक कार्ड है, 1660 Ti है। ये है 6GB का ग्राफिक कार्ड जो कि बहुत ही सफिशियंट है 3D Max, V-Ray और Lumion जैसे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, मतलब रिकमेंडेड है कि 6GB के ऊपर के ग्राफिक कार्ड होने चाहिए, मतलब 6GB एटलीस्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ग्राफिक कार्ड, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, ये पर्टिकुलर लैपटॉप को मैंने टेस्ट किया हुआ है। सो इसमें रनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, लोडिंग का कोई इशू नहीं, रेंडरिंग का कोई इशू नहीं, और आपको मिलेगा इसमें 512 NVMe, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली 30 times फास्टर, मतलब जो SSD होता है SSD से ज़्यादा NVMe फास्ट होता है, तो बेसिकली ये कॉम्पेंसेट करता है स्पीड को सारे, मतलब तुम प्रॉक्सी बनाओ, तुम बड़े बड़े सीन को लोड करो क्योंकि तुम्हारा रैम अच्छा है। सो ये आएगा i7 10th generation, 16GB का रैम और 512 GB का NVMe, मतलब SSD सी ड्राइव के लिए, तो प्रोग्राम्स अच्छे तरह से लोड हो जाएंगे, रैम अच्छा है, रैम बढ़िया है, ग्राफिक कार्ड अच्छा है। तो ये रेंज है 85,000 रुपीज़, जो कि अभी की रेंज है, मतलब अभी का जो कॉस्टिंग है, बट आज मतलब सेल में शायद ये और 10,000 रुपये कम हो सकता है। सो इसका कॉस्टिंग जाएगा आपको लगभग 75,000 रुपीज़। सो नेक्स्ट लैपटॉप है HP की तरफ से, HP Omen, और ये है Ryzen 5। सो इसका रैम रहेगा 8GB, इसका ग्राफिक कार्ड है NVIDIA GTX 1660 Ti,
6GB और 512 SSD सी ड्राइव के लिए और 1TB HDD डी ड्राइव के लिए। और इसकी कॉस्टिंग अभी जा रही है 83,000 रुपीस, जो कि सेल के बाद वापस सेम 8 से 10,000 रुपये इसमें कम हो जाएंगे। सो ऑल्सो यू कैन चेक दिस। भी करीब करीब आपको 70-75 तक पढ़ना चाहिए, मतलब होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड चॉइस। सो अभी हम हाई एंड लैपटॉप के बारे में बात करेंगे और हाई एंड लैपटॉप में से जैसे फर्स्ट लैपटॉप ले रहा हूँ आसूस का ROG स्ट्रिक्स कलेक्शन में से। सो ये है i7 10th जनरेशन 16GB रैम के साथ, मे बी 16GB रैम के साथ। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसमें लगी है वो है RTX 2080। अगर आप RTX 2080 की कीमत अगर मार्केट में देखने जाएँ तो करीब करीब वही 70-80,000 का ग्राफिक कार्ड रहेगा। सो मतलब आज के दिनों में, मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर तुम लैपटॉप लेते हो तो ऑफकोर्स तुमको चीप पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप का जो ग्राफिक का जो डील होता है वो बहुत पहले हो जाता है। सो ये जो बिटकॉइन की तरफ से ऊपर नीचे जो चल रहा है ना, इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि लैपटॉप माइनिंग के लिए यूज़ नहीं होता। सो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द बेस्ट डील इन लैपटॉप। सो दिस इज़ द बेस्ट डील कि आपको 2080 का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। 6GB इज़ रिकमेंडेड, बट 8GB अगर आपने लिया तो आपका लैपटॉप एकदम मक्खन चलेगा और वो फ्यूचर प्रूफ रहेगा। सिलेक्ट से 4-5 years आपके लैपटॉप कोई भी लैग नहीं होगा। और इसके साथ में आता है 1TB का SSD। 1TB की SSD जब भी होती है तो आपको जो स्टोरेज है वो एब्सोल्युटली बटर स्मूथ चलता है, क्योंकि HDD और SSD में यही फ़र्क होता है कि SSD तुरंत लोड हो जाती है और HDD तुरंत लोड होती नहीं। सो 1TB की जो SSD है वो प्रोग्राम्स और मतलब अपने जो प्रोग्राम्स हैं, 3DMax है, V-Ray है, फिर लूमियन है, इसमें जो गिव एंड टेक होता है हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर से हार्ड डिस्क, वो बहुत ही फास्ट होता है। सो जनरल पैकेज देखा जाए लैपटॉप में तो SSD होता ही है, मतलब HDD भी होता ही है। तो SSD जो होता है वो 1TB अगर रहे तो तुम्हारा डेटा बहुत ही फास्ट गिव एंड टेक होगा। और इसकी जो कॉस्ट है, ये अभी की कॉस्ट है 1,75,000, जो कि सेल में आपको 100% 10 से 15,000 कहीं नहीं आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा मिलेगा। सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आज है 25th, 26th और 27th को ज़बरदस्त सेल होने वाला है। आज रात को 12 बजे आप चेक करना। ऐसे एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी हैं तो अगर आपको एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी है, सो 1,000 रुपीज़ या 300 रुपया उसका मेंबरशिप लेकर अगर आपको जो उसका डिस्काउंट ज़्यादा मिलने वाला है तो उसको ज़रूर कंसिडर करना। अमेज़न प्राइम को कंसिडर करके फिर ये परचेस करना, ताकि आपको अच्छा डिस्काउंट मिले और आपका लैपटॉप सिक्योरली सेफली 1 या 2 दिन में आप तक पहुँच जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट लैपटॉप है HP Omen की तरफ से, i7 9th जनरेशन 16GB रैम, 1TB HDD और 512 GB SSD, जेन्यून विंडोज 10 प्रो वर्जन। सबसे मेन चीज़ जो अपने काम की है वो है RTX 2070 8GB का ग्राफिक कार्ड, वो इस पैकेज में आता है। मतलब 16GB का रैम मिल गया, आपको SSD मिल गई, और सबसे अच्छा चीज़ जो मिला है वो 2070 का ग्राफिक कार्ड, वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कार्ड माना जाता है, क्योंकि 2070 को जो सीरीज़ है, मतलब 70 की जो सीरीज़ है वो ऑफकोर्स एक बेस्ट डील मानी जाती है। मतलब आप 3070, 2070 या 16 की सीरीज़ है वो अच्छी मानी जाती है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ वॉट आई फील, क्योंकि जब भी कॉम्बिनेशन देखता हूँ, जब भी क्यूरेट करता हूँ सारे चीज़ों को, तो मुझे सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ कहाँ है, कौन सा चीज़ कहाँ कम है। एक स्वीट स्पॉट जिसे कहते हैं वो इस लैपटॉप को मिला है और अच्छी कॉस्टिंग में मिला है। सो इसकी कॉस्टिंग जाती है 1,80,000, बट आई एम श्योर अगेन दिस इज़ कम्स अंडर प्राइम सेल की तरफ से। अमेज़न प्राइम का जो सेल रहेगा इसमें आपके 10-15,000 ऐसे ही कम हो जाएंगे। सो ये लैपटॉप आप रडार के ऊपर रखो, अगर आपको फ्यूचर में ये लैपटॉप मतलब ख़रीदना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन लैपटॉप इन हार्डवेयर। सो डू कंसिडर दिस। अमेज़न प्राइम का जो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके एक बार चेक कर लो। तो अभी का ये जो लैपटॉप है जो मैं बताने वाला हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। सो स्पेसिफिकली ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स को मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर्स को क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, क्लाइंट को चीज़ें बतानी पड़ती है और एक इम्प्रेशन भी जमाना होता है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये शो बिज़नेस भी होता है, क्योंकि जब भी हम 3D आर्टिस्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो एक इम्प्रेशन जमाने के बाद हमको काम मिलता है।
तो उस हिसाब से मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस लैपटॉप को एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखिए, कि जो आप प्रेजेंटेशन करोगे और प्रेजेंटेशन करने के बाद आप काम भी करोगे उसमें, क्योंकि आप स्केचअप यूज़ करोगे, स्केचअप के साथ वीरे यूज़ करोगे, और आपको अगर आप स्केचअप इस्तेमाल करते हो, वीरे इस्तेमाल करते हो, तो आप लुमियन भी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि स्केचअप और लुमियन आप एक साथ यूज़ करोगे, और स्केचअप और ट्विन मोशन भी आप इस्तेमाल करोगे। तो ये जो आगे का लैपटॉप है आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेन चीज़ है, एक क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी और पावरफुल भी। ठीक है, ये मतलब कह सकता हूँ मैं ये कि ये कलेक्शन में से ये मर्सिडीज़ बेंज है, और मर्सिडीज़ बेंज आपको ओन करना ही चाहिए। सो लैपटॉप का नाम है आसूस जेन बुक प्रो डियो। ठीक है, सो ये है डुअल स्क्रीन लैपटॉप, मतलब सामने सामने से एक बड़ा स्क्रीन है ही, और एक छोटा स्क्रीन है कि जो एलिवेट होता है, और उसमें से मतलब टू स्क्रीन्स हम जब भी काम करते हैं उसका आप मज़ा ले सकते हो। मैं स्पेक्स के बारे में बात करता हूँ कि स्पेक्स इसके क्या हैं। सो ये आता है i9 प्रोसेसर में, 10th जनरेशन, 4K डिस्प्ले के साथ, ओलेड डिस्प्ले है जो इस रेंज में किसी का भी नहीं है। इसके साथ आता है 32 GB का रैम, जो कि लगभग वर्क स्टेशन की बराबर है, मतलब जितना हम वर्क स्टेशन में इस्तेमाल करते हैं उसी की तरह उसमें 32 GB का रैम लगा हुआ है, मतलब यू है पावरफुल रैम। 1 TB का NVMe है, अभी 1 TB का SSD और 1 TB का NVMe के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे 1 TB का HDD मतलब हार्ड डिस्क और 1 TB का SSD में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वैसा ही 1 TB का NVMe इज़ वे बेटर देन SSD। तो सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों, जो हम हमेशा एक चीज़ देखते हैं लैपटॉप में, एज अ ग्राफिक आर्टिस्ट, एज अ 3D आर्टिस्ट, एज अ आर्किटेक्चुरल आर्टिस्ट, एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आर्टिस्ट, वो क्या है? वो चीज़ ये है कि ग्राफिक कार्ड कौन सा है और कितना स्ट्रांग है। तो इसमें है RTX 3070 ग्राफिक कार्ड है, 8 GB का, विच इज़ मोर सफिशियंट, मतलब आपको 32 GB का रैम है, 1 TB की SSD है, और 3070 का ग्राफिक कार्ड है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट कॉम्बिनेशन, मतलब आपको किधर भी देखने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर ये चीज़ है तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका काम, आपका सारा चीज़ एक साथ फुल पावर पैक रहेगा, ये श्योर है। आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं हार्डवेयर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, मेरा लैपटॉप स्लो है, मेरा लैपटॉप ये हो रहा है, वो हो रहा है, एवरीथिंग कम्स इन पैकेज। खाली ये आप एज अ इन्वेस्टमेंट देखो, क्योंकि जब भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको उसका डबल रिटर्न्स मिलता है। आई एम श्योर कि अगर जब भी आप ये खरीदेंगे तो आपको डबल उसका रिटर्न्स, 2x, 3x, 5x रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये सब सारे डील्स को अगर आपको प्रॉपरली अप्रोच करना है तो अमेजोन प्राइम के मेंबर बनो। अमेजोन प्राइम का मेंबर होने के बाद क्या होता है, आपको डिस्काउंट और डिलीवरीज दोनों दोनों अच्छे मिलते हैं। मतलब डिस्काउंट तो मेन हम डिस्काउंट के लिए ही कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अगर आप अपने को अच्छा चाहिए तो आपको अमेजोन प्राइम ले लो, क्योंकि बाकियों को इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा, और 300 या 900 रुपया, 1-1 लाख, 80-80 हज़ार के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, सो वो चीज़ करने के बाद आप और एक साल भी कुछ उससे मंगा सकते हो, जिसमें आपको डिलीवरीज भी फ्री मिलेंगी और डील्स भी अच्छी मिलेंगी। और ये सारा चीज़, कौन सा ग्राफिक कार्ड, अगर कौन सा लैपटॉप, इसमें कुछ तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मुझे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपने लिया नहीं लिया, उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके लिए आप कमेंट डाल सकते हो, और हक से चैनल को ठोक सकते हो एक लाइक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।